मैथमेटिक्स यानी कि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट जो थोड़ा सा मुश्किल जरूर लगता है, अगर समझ में आ गया तो उसी सब्जेक्ट में आते हैं 100/100 नंबर। जी हाँ, आज हम आपको लेकर पहुंचे हैं एक्सपर्ट मैथ क्लासेस में और यहाँ पर आपको तमाम बच्चों की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं जो डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहे हैं। एक्सपर्ट मैथ क्लासेस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, सेक्टर 7 में स्थित है, साथ ही साथ पुराने बस स्टैंड के पीछे भी स्थित है और 2011 हो या फिर जब इनकी शुरुआत हुई तो एक छोटे कमरे के साथ हुई, लेकिन उसके बाद ये बुलंदियों को छूते चले गए। 2019 में डिस्ट्रिक्ट पर यहीं से रहा, ओंकार उनका नाम तस्वीरों में आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद 2020 में टॉपर निकिता यहीं से रही और 2021 में टॉपर अंशु वो भी यहीं से रही और ओवरऑल टॉपर थे, यानी कि हर सब्जेक्ट में इन्होंने टॉप किया था। बहुत सारे बच्चे यहां से पढ़कर अलग अलग सब्जेक्ट में आगे बुलंदियों को छूते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप पांचवी कक्षा में पढ़ते हैं या फिर आठवीं में पढ़ते हैं, दसवीं में पढ़ते हैं, बारहवीं में पढ़ते हैं, यानी कि पांचवीं से लेकर बारहवीं तक आप पढ़ रहे हैं, तो फिर आप यहां पर आकर कोचिंग ले सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट की कोचिंग ले सकते हैं। और आज हम आपको यहां पर लेकर आए हैं तो उसका एक खास मकसद यह भी है कि 20 मार्च को नौवीं से बारहवीं तक तमाम बच्चों के लिए जो अलग अलग स्कूल में पढ़ते हैं, मैथमेटिशियन ऑफ करनाल यानी कि मॉक MOK एक टेस्ट आयोजित किया जा रहा है, उस टेस्ट में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अगर आप टॉप रहते हैं तो फिर आपको सम्मानित किया जाएगा और साथ ही साथ आगे की जो पढ़ाई है उसमें आपको मदद की जाएगी। तमाम टीचर से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे, यहाँ के डायरेक्टर से भी हम बात करेंगे और किस तरीके से जो यहाँ का पूरा स्टाफ है वो काम करता है, तमाम टीचर जो एक्सपर्ट हैं बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, उनके अच्छे अंक लाने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। डायरेक्टर शुभम जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट जो मुश्किल जरूर लगता है शुरू में अगर समझ ना आए तो, लेकिन समझ आ जाए तो उसके बाद पूरे बटा पूरे नंबर उसमें आते हैं। किस तरीके से मैथ आप बच्चों को सिखाते हैं, इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट भी बच्चों को आप सिखाते हैं? बिल्कुल सर, मैथ्स देखो, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, मैं बच्चों को यही समझाता हूं हर बार कि मैथ्स को, मैथ एक बहुत सिंपल सब्जेक्ट है अगर उसको आसान बनाया जाए प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस एक बहुत बड़ी चीज होती है किसी भी चीज में, आप कोई भी काम करेंगे अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, मैं कह रहा हूं कोई भी काम आसान हो जाता है। तो मैथ्स का भी एक सिंपल सा ही फंडा है क्या कि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया मैथ्स होगा आपका, उतना आप अच्छा कर पाएंगे। हम अपने बच्चों को भी समझाते हैं कि बच्चे अगर एक कंसेप्ट आप कर रहे हैं उसके ऊपर आप 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो उसके बाद आपको कोई भी कंसेप्ट, कोई भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आने नहीं वाली अगर आप एक के ऊपर वर्क करते हैं तो। इसलिए स्टेप बाय स्टेप हमेशा हम बच्चों को समझाते हैं कि वर्क करते जाओ अपने कंसेप्ट के ऊपर। यही इसका रिजल्ट है कि हम पिछले 3 साल से लगातार हमारे पास पहले 45 प्लस आए थे 2019 में, कर 90 प्लस और 2020 में 50 प्लस थे और इस साल 60 प्लस हैं और पिछले साल के लगातार 3 टॉपर्स हमारे पास हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, बच्चों की मेहनत है सारी है। शुभम जी ये कैसे होता है, 2019 आपके पास है, 2020 आपके पास है, 2021 आपके पास है और ये बच्चे वो हैं जो यहां पर आपसे ट्यूशन ले रहे थे, कोचिंग ले रहे थे, उसके बाद ये आगे बढ़ते चले गए और इन्होंने टॉप किया? बस सर देखो, मैं कहता हूं कि हम मानते हैं कि इसमें टीचर की गाइडेंस होती है लेकिन मेहनत किसकी होती है, बच्चों की। हम बच्चों को एक राइट गाइडेंस देने की कोशिश करते हैं कि हाँ बेटा तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटीज है। मैं अपने बच्चों को यह समझाता हूं कि आप कुछ भी करते हो ना उसका पीक तोड़ने की कोशिश करो। अब सीबीएसई 12th में पढ़ रहे हो, सीबीएसई 12th का पीक क्या होता है कि ऑल इंडिया क्रैक करने की कोशिश करो, तो हम उनको टारगेट बड़ा दिखा देते हैं तो उससे क्या होता है एटलीस्ट वो वहां तक पहुंचने की कोशिश करता है, अगर नहीं भी पहुंच पाता तो करनाल तो टॉप करेगा ही वो फॉर श्योर। आप एक टेस्ट रखते हैं, पिछले साल भी आपने वो टेस्ट रखा और उस टेस्ट में ये होता है कि अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं और आप टॉप रहते हैं तो फिर आपको सम्मानित किया जाता है और उसकी आगे मदद की जाती है। क्या है टेस्ट, क्या उसका संदर्भ रहता है, क्यों रखा जाता है, क्या फायदे हैं? बिल्कुल, क्या जैसे हमारे पास क्या होता है, हमारे पास हमें बच्चों की कैपेबिलिटीज को जज करना चाहिए, मुझे ये लगता है। एक जैसे टैलेंट शो होता है वैसे ही हमने करनाल में एक टैलेंट, बेसिकली मैथ्स टैलेंट निकालने के लिए हमने शुरू किया हुआ है मैथमेटिशियंस ऑफ करनाल। सीजन 1 इसका हो चुका है और बहुत अच्छे लेवल पे हुआ था। सीजन 2 इस बार दोबारा हो रहा है। बेसिकली हमारे साथ जो प्रेजेंटिंग में है, हमारे साथ में कॉपरेशन में लाइव करनाल, वो साथ में हमें हेल्प करता है इस कॉन्टेस्ट को करवाने में पूरा। और होता क्या है इस कॉन्टेस्ट में, हम 9th 10th 11th 12th के बच्चों का मैथ्स का टेस्ट लेते हैं यहाँ पर
और ओनली द टेस्ट सिर्फ मैथ्स का ही होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मैथमेटिशियन ऑफ करनाल। तो 9th 10th 11th 12th का टेस्ट होने के बाद हम चेक करते हैं उसमें जो टॉप 10 स्टूडेंट्स होते हैं, हम सिर्फ 1 2 3 तक नहीं रुकेंगे, हम टॉप 10 तक देखते हैं बच्चे कौन से बच्चे हैं जिनमें कैपेबिलिटीज हैं लेकिन वो थोड़ा सा फाइनेंशियल इशू की वजह से आगे नहीं पढ़ पा रहे, तो हम उनको आगे निकालना चाहते हैं। यही इस टेस्ट का मेन मोटिव होता है। और सबसे अच्छी बात है हम इस टेस्ट की कोई फीस नहीं रखते हैं। मुझे पता है कि हमें फीस रखकर कई बच्चे क्या होगा जो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहेंगे वो नहीं रख पाते, लेकिन हमें रियल टैलेंट को जानना है करनाल के, इसलिए ये विदाउट एनी कॉस्ट होगा, कोई फीस नहीं होगी इस टेस्ट की। 20 मार्च को ये टेस्ट होने वाला है, टेस्ट का नाम है मैथमेटिशियन ऑफ करनाल और एक्सपर्ट क्लासिक क्लासेस की तरफ से ये टेस्ट आयोजित किया जा रहा है। आप इस टेस्ट का हिस्सा बन सकते हैं और अगर आप टॉप 10 में रहते हैं तो फिर आपको सम्मानित भी किया जाएगा और साथ ही साथ आगे की पढ़ाई के लिए आपको मदद भी की जाएगी। आप आ सकते हैं एक्सपर्ट मैथ क्लासेस में जो करनाल में सेक्टर 7 में स्थित है। इसके अलावा बस स्टैंड के पीछे भी इनका सेंटर है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें मेरा हाथ हमेशा तंग रहा क्योंकि मुझे एक अच्छा कोचिंग सेंटर नहीं मिल पाया, लेकिन आपके पास एक बेहतरीन मौका है। अगर आप 5वीं कक्षा में पढ़ते हैं या फिर आप प्लस 2 में पढ़ते हैं यानी कि 5वीं से 12वीं तक यहां पर आपको कोचिंग दी जाती है, हर सब्जेक्ट की कोचिंग दी जाती है और फिर आप अपनी क्लास में टॉप करते हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो किस तरीके से आप 5वीं से लेकर 12वीं तक अपनी क्लास के अंदर टॉप कर सकते हैं ये हम आपको बता रहे हैं। एक सवाल और जान लेते हैं सर, 5वीं से 12वीं कक्षा तक आप बच्चों को पढ़ाते हैं, क्या आप अकेले पढ़ाते हैं फिर आपकी टीम भी है? सर एक्चुअली क्या है, हमारा जो स्टार्ट हुआ था पहले ये शुरू हुआ था 11th और 12th से मैथमेटिक्स से, फिर बच्चों का ट्रस्ट इतना बनता गया हमारे ऊपर, उनके पेरेंट्स का विश्वास इतना बनता गया, उन्होंने हमें 9th 10th के लिए अप्रोच किया। अब ऐसा हो चुका है कि वो कहते हैं सर 5th टू 8th के बच्चे भी उनके भाई बहन चाहते हैं पढ़ना, तो हमारी क्या होगी, हमारी पूरी टीम एक्सपेंड हो चुकी है। तो हमारे पास 5th टू 8th के लिए अलग स्टाफ है, 9th 10th बिल्कुल अलग स्टाफ है, ऐसे ही 11th 12th में मेडिकल नॉन मेडिकल अगर हम बात करें या कॉमर्स की बात करें पूरी टीम है दोनों ब्रांचेस पर। तो ये सिर्फ पेरेंट्स का विश्वास है, पेरेंट्स का ट्रस्ट है हमारे ऊपर जो हम अपनी टीम को एक्सपेंड करते जा रहे हैं। और इसके लिए हम क्या करते हैं, हर साल रिव्यू करते हैं अपने टीचर्स को अपने बच्चों की परफॉर्मेंस के ऊपर। तो इस साल अब क्या हुआ, रिव्यू करने के बाद हमारे साथ हमने स्पेशली मैंने इंद्री से हमारे पास सर हैं मोहित सर, हमने उनको अप्रोच किया कि सर आपकी डिमांड है, हमें आपका यहाँ पे सर्विसेज चाहिए ताकि हमारे बच्चे फिजिक्स में भी और आगे जा सके। तो बेसिकली हमने यहाँ पे फिर फिजिक्स को भी हम सर को हम स्पेशली इंद्री से यहाँ पे लेके आए हैं ताकि आप और बेटर तरीके से बच्चों को समझा पाए, तरीके से कर पाए। ना सिर्फ ये नहीं है कि आपको पढ़ाएंगे और छोड़ दिया जाएगा बल्कि आपके टेस्ट लिए जाएंगे, रिवीजन करवाई जाएगी। अगर आपको रात को 12 बजे भी किसी सवाल में कोई दिक्कत आती है तो उसका समाधान भी होगा, फोन पर होगा, वीडियो कॉल पर होगा। हमारे साथ मोहित सर हैं, मोहित सलूजा जी हैं, फिजिक्स के टीचर हैं, इंद्री में लगातार 10-12 सालों से पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स में इनका एक बहुत अच्छा नाम है। मोहित सर, इंद्री में आप पढ़ा रहे हैं, लगातार बच्चे आपके पास आते हैं, लेकिन करनाल आना क्यों हुआ, कोई खास वजह? बिल्कुल खास वजह है, मेनली मैंने जैसे इंद्री से बहुत सारे बच्चे जो है ना सर करनाल अप डाउन करते हैं, तो जो बच्चे करनाल के स्कूल्स में आते हैं वो इंद्री मेरे पास मोस्टली बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं, तो बच्चे मेरे को बताते हैं कि सर जैसा आप पढ़ाते हो ना वैसे बाकी टीचर्स क्लियरली बेसिक से नहीं करवाते, तो आप जो है ना ऐसे ही पढ़ाओ बिल्कुल, और ये टीचर की करनाल में भी रिक्वायरमेंट है, तो अगर आप अपना थोड़ा सा टाइम करनाल में निकाल सको तो जरूर आप वहां पर, वहां के बच्चे भी सफर कर रहे हैं क्योंकि फिजिक्स मेनली एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चे 90% बच्चे जो हैं वो डिफिकल्टी फेस करते हैं मेनली न्यूमेरिकल पोर्शन में, और फिजिक्स को अगर अच्छे से बेसिक से कंसेप्ट से पकड़ के करवाया जाए तो फिजिक्स सबसे आसान सब्जेक्ट है, हम उसको डेली लाइफ के एग्जाम्पल के साथ रिलेट कर सकते हैं। तो यही रीजन हुआ, बच्चों का भी हुआ, फिर सर ने मेरे को अप्रोच किया, अब सर ने अप्रोच किया तो मेरे को लगा कि चलो बड़ा एक्सपोजर होना चाहिए, तो इसलिए मैंने करनाल में भी जो है वो सर के साथ एसोसिएट किया है, और इंद्री में भी मैं 10 से 12 साल से पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे फिजिक्स, वहाँ के बच्चे काफी सेटिस्फाइड है, इंद्री के पेरेंट्स से बहुत प्यार मिला है और मिल भी रहा है। इतना टफ सब्जेक्ट है क्योंकि प्लस 1 प्लस 2 के अंदर जब फिजिक्स आती है बच्चों को काफी डर लगने लगता है तमाम सब्जेक्ट्स जो अलग अलग होते हैं उनसे, किस तरीके से आप उसको आसान बनाते हैं ताकि बच्चों को वो समझ आए और बच्चों के उसमें अच्छे नंबर आए? बेसिकली टीचिंग जब की जाती है सर तो उसमें अगर हम एक क्लास को पूरी क्लास को एक ही तरीके से पढ़ाएंगे तो सारे बच्चे एक ही लेवल के नहीं होते, कुछ बच्चे एकदम से गेन कर लेते हैं चीज़ें, कुछ को टाइम लगता है,
तो उनको फिर इंडिविजुअल अटेंशन देनी पड़ती है। जो बच्चा, जिस बच्चे को टाइमिंग की रिक्वायरमेंट है ज्यादा कि मेरे को क्लास में एकदम से एक चीज समझ नहीं आती, तो बिल्कुल बेसिक, पहली कोशिश तो ये रहती है कि बिल्कुल बेसिक से करवाया जाए। अगर फिर भी बच्चे को नहीं जो है वो समझ में आ रहा, तो उसको एक्स्ट्रा टाइम लेके करवाया जाता है, ताकि बच्चा ये ना फील करे कि क्लास में बैठ के मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, भाई अगर क्लास की स्ट्रेंथ थोड़ी सी ज्यादा है तो भी मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। तो बच्चे को ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं कराया जाता, और बिल्कुल बेसिक पहले कंसेप्ट पकड़ा जाता है। जब बच्चा कंसेप्ट के लिए कह देता है कि हाँ मेरे को समझ में आ गया, फिर उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कराए जाते हैं, धीरे धीरे स्टेप वाइज चीजें करते हैं, ताकि बच्चा हर टाइम कंफर्टेबल फील करे। और टेस्ट में जब उनके स्कूल टेस्ट होते हैं और एग्जाम होते हैं, वीकली एग्जाम होते हैं, तो उसकी भी एनालिसिस की जाती है कि आपको प्रॉब्लम क्या आई। तो मतलब मोटिवेशन स्टेप वाइज दी जाती है, ताकि बच्चा फील ना करे कि हमें ये चीज नहीं हो। कोविड के दौरान बच्चों का बेस बहुत कमजोर हो गया, चाहे वो मैथ की बात की जाए, केमिस्ट्री की बात की जाए, बायो की या कॉमर्स के सब्जेक्ट हों, फिजिक्स की बात की जाए, उस बेस को मजबूत बनाने के लिए आपकी टीम क्या करेगी? बेसिकली ये मैं ये कहना चाहूंगा, जो पिछले 2 साल हमारे एजुकेशन सिस्टम के निकले हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा खराब निकले हैं। एक बहुत जो पीरियड था वो बहुत बेकार था। तो हमने बेसिकली अभी बच्चों से भी पूछा, एक्सपीरियंस लिया कि आपने लॉकडाउन में कैसे, आपको क्या कैसा फील हुआ, एक्सपीरियंस क्या हुआ। तो पहले बच्चे बोले कि सर स्टार्टिंग का जो पीरियड था ना, वो हमें ऐसा लगा कि कोरोना बहुत अच्छा आया हमारे लिए, हमको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, ऑनलाइन क्लास लगा रहे, उनको ऑनलाइन क्लासेस में भी मजा आया और उनको गेम्स खेलने को मिली। लेकिन थोड़े टाइम के बाद उन्हीं बच्चों ने रियलाइज किया कि हमारा फ्यूचर जो है वो अच्छा नहीं दिख रहा, अंधकार में जा रहा है। तो अल्टीमेटली वो बच्चे राइट ट्रैक पे आने के लिए अब ढूंढ रहे हैं चीजें, लेकिन वो बहुत उनका टाइम वो मिस हो चुका है। इसीलिए हमने बेसिकली स्टार्ट किया है कि अगर हम किसी बच्चे को पकड़ता हूं, मेरा बेसिकली इंडिविजुअल ये रहता है कि अगर मैं किसी बच्चे के साथ एसोसिएट होता हूं, बच्चा मेरे से पढ़ने आता है, तो मैं उनको इंडिविजुअल अटेंशन देता हूं, ताकि बच्चे का अगर पिछला 2 साल में कुछ लॉस भी हुआ है, तो किसी तरीके से संडे सैटरडे कोई भी टाइम मिले 24 आवर्स में, तो कोऑपरेट किया जा सके हर तरीके से। ये तमाम टीचर हैं, अपने अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हैं, कोई मैथ में एक्सपर्ट है, कोई फिजिक्स में एक्सपर्ट है, कोई कॉमर्स के जो तमाम सब्जेक्ट होते हैं उनमें एक्सपर्ट है। आपको आना कहाँ है? एक्सपर्ट मैथ क्लासेस। और यहाँ पर जब आप पढ़ने के लिए आएंगे कोई भी सब्जेक्ट, तो फिर आप ऐसे बच्चे भी बन सकते हैं, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहे हैं करनाल के 2019-2020-2021 एक्सपर्ट मैथ क्लासेस ने दिए हैं सेक्टर 7 में, और साथ ही साथ पुराने बस स्टैंड के पीछे भी कोचिंग सेंटर है। आप कोई भी क्लास में पढ़ रहे हैं 5वीं से 12वीं तक, कोई भी सब्जेक्ट जो आपको मुश्किल लगता है और आपको लगता है कि इसमें मुझे आगे बढ़ना है और अच्छे नंबर लेकर आने हैं, तो आपके पास एक अच्छा मौका है। और 20 मार्च तारीख अपने जहन में याद कर लीजिए, क्योंकि आपके पास एक अच्छा मौका है एक टेस्ट में पार्टिसिपेट करने का, और अगर उस टेस्ट में आप टॉप रहते हैं, टॉप 10 में आते हैं, तो फिर आपको सम्मानित भी किया जाएगा और आगे की पढ़ाई के लिए आपको मदद भी की जाएगी। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ।